वो भारत रत्न थे, भारत रत्न है और भारत रत्न है। पर बात यह है कि जो सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देती है, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती है, वही सरकार किसानों पर अन्याय करती है। सरकार ने देश के एक महान नेता, किसान नेता चरण सिंह जी को भारत रत्न के मरणोपरांत इसके साथ साथ जो हरित क्रांति के वैज्ञानिक निर्माता थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, उनको भी भारत रत्न से सम्मान, वो भी मरणोपरांत, हम उसका स्वागत करते हैं। वो भारत रत्न थे, भारत रत्न है और भारत रत्न। पर बात यह है कि जो सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देती, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देती, वही सरकार किसानों पर अन्याय कर। स्वामीनाथन फॉर्मूला किसान संगठनों की तीन या चार मुख्य मांग, और सबसे बड़ी मांग यह है कि जो खेती की लागत का अनुमान किया जाता है वो स्वामीनाथन के दिए हुए फॉर्मूला पर किया जाए, और डेढ़ गुना खेती की लागत को MSP घोषित किया जाए। MSP की परिभाषा मोदी सेलिंग प्राइस नहीं है, MSP की परिभाषा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मोदी सेलिंग प्राइस नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और डेढ़ गुना जो विस्तृत रूप से खेती की लागत अनुमान किया जाता है, स्वामीनाथन फॉर्मूला जिसे कहा जाता है, ये एक मांग है। दूसरी मांग है कि इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे देश में कई ऐसे जगह हैं जहां खरीद निजी कंपनियों से होता है और निजी कंपनियां मार्केट में MSP के कम दाम से खरीदते हैं किसानों से, तो इसको कानूनी दर्जा दिया जाए, ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग है, जैसा कि अभी अभी कन्हैया जी ने आपको बताया है, 14 लाख करोड़ चंदा दाताओं का माफ किया गया है बैंकों से, और 1 लाख करोड़ किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जाता। कांग्रेस की सरकार 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफी की घोषणा की, तो ये सब आश्वासन दिए गए थे किसान संगठनों को। जब ये तीन काले कानून मजबूर होकर प्रधानमंत्री को वापस देना पड़ा, और आज संगठन यही मांग कर रहे हैं कि जो वादे आपने किए थे उसका क्या हुआ। आज राहुल जी ने किसान संगठनों से मुलाकात की, यही बात उठी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में, कर्जा माफी के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, जो निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाता है पर किसानों को तो कुछ फायदा नहीं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो 5 न्याय हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय और किसान न्याय, तो ये
आज 13 फरवरी किसान न्याय का दिन है। आज 13 फरवरी किसान न्याय का दिन है क्योंकि दिल्ली में अन्याय हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है किसान और किसान संगठनों पर। ये मोदी सरकार की असली रूप है, उनकी मंशा दर्शाता है। जो झूठे वादे किए हैं उनका कोई इरादा नहीं है उसको पूरा करने का। किसान संगठनों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है, राहुल जी खड़े हुए हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बुलंद आवाज में हमारा समर्थन बार बार दोहराया है। और जब इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की सरकार बनेगी तब जरूर एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, लीगल गारंटी होगा। और एमएसपी जो स्वामीनाथन जी ने फॉर्मूला दिया था 1.5 गुना विस्तृत खेती की लागत पर के आधार पर ही एमएसपी की घोषणा की जाए। और कई मांगे हैं उसको भी हम पूरा कर ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now